का फूड चेन मुंबई में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की खिचड़ी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ तेल में प्याज, टमाटर और आलू और थोड़ा सा अखा गरम मसाला लिया है, जैसे कि ज़ीरा। और ये देखें, मैंने करी लीव्स भी इस्तेमाल किए। हम इसको अच्छी तरह से इसमें भूंज लेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर। ये देखिए, मैंने यहाँ थोड़े चावल भी भिगो के रखे हैं, साथ में थोड़ी तूर दाल और थोड़ी लाल दाल भी भिगो के रखी है। ये देखिए, हम इसे लगभग एक घंटा भिगो के रखेंगे। उसके बाद ये देखिए, हमारा मसाला और जो आलू था वो भूंज के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। उसके बाद हम चावल को अच्छी तरह से प्याज, आलू और टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने मिक्स कर दिया है। अब हमें चावलों को इतना सबमर्ज करना है कि वो पानी के अंदर डूबे रहें। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको पानी रखना है। अब ज़्यादा पानी ना डालें, उतना ही डालें कि हमारा जो भी चावल और दाल है वो सबमर्ज हो जाए उसमें। ये देखिए, आपको मेरा चावल दिख रहा होगा पानी के अंदर भी। अब उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर, पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 से 4 मिर्ची कट करके ऐड करेंगे। ये देखिए, क्या लाजवाब लग रहा है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। हम लगभग 3 सीटी लेंगे। ये देखिए, हमारा खिचड़ी रेडी हो चुका है। क्या लाजवाब लग रहा है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फूड चेन को फॉलो करें, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, क्या लाजवाब लग रहा है। आप खिचड़ी को हरी चटनी या दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चला भाई, मैं तो अपनी खिचड़ी खाने चला। आप लोग भी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।